अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु प्यारे दोस्तों और प्यारे भाइयों, वीडियो शुरू करने से पहले दुनिया तमाम दोस्त भाइयों ना साड़ी गुजारिश है साड़ी वीडियो लाइक करो सब्सक्राइब करो नाल लगे घंटी दे आल दे बटन जरूर प्रेस करो ताकि जी भी नई वीडियो असं अपने दोस्त भाइयों की नज़र करते हैं यूट्यूब नज़र करते हैं उस सब वक्त उसू नोटिफिकेशन मिलता रहे। अभी हम आपको आगे बताते हैं कि हमने आगे करना क्या है, जो कुछ भी हमने अपने इलाके में जो कुछ भी काम धंधा करना है, कैंती बेलचा मारना है, तो हमने आपको बताना है कि हमने करना क्या है। अभी हम आपको बता रहे हैं कि हमने आगे क्या करना है। यहाँ पे हम खड़े हैं, रुके हैं, खलोते हैं, तो यहाँ पे पीछे लगी देखिए आपने ये बाजरा ज्वार बल्कि नहीं ओ मैं भूल गया ये ज्वार सूखी पड़ी है, बारिश कम हुई है, तो हम आपको बताते हैं हमने करना क्या है। ये देखें पीछे दूर दूर जो है ना आगे क्या क्या बताना है भूल गया हूँ। अच्छा ये आगे धूप बहुत ज़्यादा है, अब हम आपको बता रहे हैं तो हमने करना क्या है। मज़ीद आगे चल के हम धनी इलाके का आपको आपको क्या कहते हैं आपको तकाना है, दिखाना है धनी इलाके में हम क्या क्या करते हैं, हमने उधर हमने कौन सा काम करना है, जो भी हम सुबह की रूटीन हम काम करते हैं। साड़ी वीडियो को हमारी को लाइक भी करो तो नाल घंटी दे जिस तरह मुक्का मार के दबा दो ताकि तो सू उस नोटिफिकेशन मिलता रहे जी। अगर चल के हम आपको मज़ीद बताते हैं ठीक है जगह नाल चलो। दोस्तों भाई तो स्टेज देख लीजिए आज अपनी जनवर सफा किला बना रहे देसी तरीके सारे इलाके को इस तरीके कुछ खड़ोड़ियाँ बनाने जिन्हें पैने मुठ छुट पैने पट्टी छोटे पैने और कुंडे ला देने असं बना रहे आज लकड़ का एक किला अपने जनवर को बनने वास्ते ठीक है जी। ए तरीकाकार है ऐसा ठीक है जी। ये लकड़ लैके असं किला बना रहे साड़ी वीडियो लाइक करो सब्सक्राइब करो दोस्तों भाइयों गुजारे शहर का बड़ी मेहरबानी साड़ी काम भी होने तक लो जी तरतीब देख अपना देसी तरीके अस काम करते पे साड़ी ठीक है जी। ये जानवर के किले अस बनाने इस तरीके ऐसे तो अच्छा सरिये दे कुंडे बना लो वो भी अंदा लिखने कि किला बना लो मजबूत जहा बना के असं किला बना रहे हूँ असं इसमें उतनी साइड थोड़ा टुक लसा जी टुक लाने का तरीकाकार यह है भाई इस तक रस्सी जी फसा वो रस्सी तक इतना मजबूत रवे ठीक है रस्सी बाहर ना निकले उतनी साइड तो थोड़ा जहा कटाई करके असं इस तरीके
ਮੈਂ ਨਿਕਲਵਾ ਸਾ ਨਿੱਕੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਨੀ ਮਸਲਾ। ਰੋਟੀ ਦਾੜੀ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਾ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਊਂਠ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੈਣ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆਵੇ ਜਮਘੱਟੇ ਚੱਲਦਾ, ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ। ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ ਸਾਡੇ ਊਂਠ, ਸਾਡੇ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਜਾਨਵਰ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਪਾਲੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੁਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਦੋਸਤੋ ਭਾਈਓ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਉੱਤੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਸਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵਜਬ ਜੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਭਾਈ ਲਾਗੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲਾਗੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਸਕਾਫਤ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਂਦਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਡੰਗਰ ਮਾਲ ਚਲਾਉਣੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਈ ਲੋਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਆ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਬੱਚੇ ਮੰਗਦਾ ਜੀ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾ ਵੱਡੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਅੱਛਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਯਾ ਬਸ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਯਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸ਼ਟ ਹੁਣ ਕਰਾਏ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਬਾਤ ਕਰ ਲਈ ਕੋਈ ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਬਸ ਸਾਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਰਹੂ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬਸ Thank you.